तो यहाँ से कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। देखिए, जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, सुबह के 8:40 हो चुके हैं, और हो सकता है ये पेपर आपके पास 1 घंटे बाद पहुँचे, मतलब कि 9:40 तक अगर पहुँचेगा और 2 बजे आपको जो है एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाना है। जी हाँ, तो आप 1:30 बजे जो है एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच चुके होंगे। तो देखिए, अब आपके पास 2 से 2.5 घंटे का समय है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन पेपर को, जी हाँ, इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को आप पूरा सॉल्व कर लें। बहुत सारे प्रश्न, जी हाँ, डायरेक्टली आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले कुछ इस प्रकार से ये नमूना प्रश्न पत्र है, कुछ इस प्रकार से ही आपको एग्जाम में आपका क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही मिलेगा, यहाँ पे रोल नंबर भरना है आपको, और कुछ इस प्रकार से आपको बारकोड भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में जो है आपको क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पेपर को जो है हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ, संपूर्ण क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा, ताकि जो है आप एग्जाम में जो है एकदम अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूंगा, ताकि अब जो है आप लोगों को देखने में समस्या ना हो, ठीक है। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले, यहां पे अपना रोल नंबर फिल करें, कुछ निर्देश रहेंगे जो कि आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और जो है क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बताने से पहले देखिए, हो सकता है कुछ विद्यार्थियों के पास ये क्वेश्चन पेपर 1:30 बजे पहुंचे, इस कंडीशन में वो क्या करेंगे। इस कंडीशन में भी मैंने आपके लिए बिल्कुल जो है एक ऐसा उपाय बताया है, बहुत सरल उपाय। देखिए, आपको करना क्या है, गूगल पे सर्च करना है www.studynotespj.com, जी हाँ, और संपूर्ण सॉल्यूशन आपको जो है यहाँ पर इस पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, और क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी आपको गूगल पे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जो है गूगल से क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ और सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड कर लें। अब चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए आपके लिए क्वेश्चन के आंसर बताना स्टार्ट करते हैं। अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है हमारा, और यहाँ पे देखिए आपका जो है ये सेट सी है, जो कि ज़्यादातर दमोह छतरपुर पन्ना जिलों में देखने के लिए ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार का एक नमूना प्रश्न पत्र है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम सही विकल्प चुन करके हमें लिखना है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो देखिए, कर्क रेखा जो है आपकी ओडिशा राज्य से नहीं गुजरती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो अमरकंटक में है, ठीक है। रूस के विषय में शांति, भूमि एवं रोटी का नारा किसने दिया, लेनिन ने दिया। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बन पर बमबारी किसने की थी, तो जापान ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय जल वाली झील है, तो सांवर झील है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रीष्म ऋतु में, देखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो लू कहा जाता है। इंग्लिश वाले भी कुछ इसी प्रकार से जो है अपने क्वेश्चन के आंसर लगा लेंगे, ठीक है, ये इंग्लिश में है। अब चलिए, सेकेंड जो है आपके रिक्त स्थान, तो यहाँ से रिक्त स्थान देखते हैं हम। रिक्त स्थान में देखिएगा क्या दिया गया है। पहला है आपका, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी खालिस्तान से निकल है, तो ये देखिएगा गंगोत्री हिमानी से निकलती है। भारत की वर्षा का वार्षिक खालिस्तान औसत है, तो 105 सेंटीमीटर है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं खालिस्तान करता है, तो उपभोग करता है। सन 1917 में सर्दियों में रूस की राजधानी खालिस्तान की हालत बहुत बेकार थी, तो पेट्रोगार्ड की जो है हालत बहुत बेकार थी। जर्मनी में विषय में थर्ड राइस ऑफ डीम्स, ठीक है, थर्ड राइस ऑफ डीम्स खालिस्तान ने लिखी, तो ये जो है सालाइट बेराल बेराट ने लिखी, सालाइट बेराल बेराट, ठीक है। गेहूं कृषि शीर्षक से क्या एक विशेष डाक टिकट खालिस्तान ने जारी किया था, तो ये जो है इंदिरा गांधी जी ने जारी किया था, जो कि हमारे भारत की क्या थी, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर देखूंगा। इंदिरा गांधी जी भारत की हमारे क्या थी, आप लोगों को पता भी है या फिर नहीं है, मैं ये कमेंट जरूर देखूंगा, ठीक है, क्या थी इंदिरा गांधी जी, और मैं उससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कितने विद्यार्थी जो है यहाँ तक वीडियो देखे हैं, ठीक है। तो आप जरूर जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद जो है आप देखिएगा, सही जोड़ियों का आपको मिलान करना था, तो यहाँ से देखिए जग दीदी, ठीक है, तो जग दीदी का जो मिलान है वो आप रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी से करेंगे। वाइमर गणराज्य की स्थापना, ये जो है आपकी ये जो है आपकी 9 नवंबर 1918 में हुई। डायट्रिच बेटिस, तो डायट्रिच बेटिस जो है जर्मन में है। विश्व का पांचवा बड़ा देश, तो विश्व का पांचवा बड़ा देश जो है आपका वो ब्राजील है। तो तुषारापात जो है आपका 1914 में हुआ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 1913 में हुआ, ठीक है। तो इंग्लिश वाले भी लगा लें, इंग्लिश में देख लीजिए आप। इसके बाद जो है आपके एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, तो जी हाँ, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। दक्षिण दोलान में जुड़ा हुआ एक
क्या है? तो एक ये है आपका एनी नीनो, ठीक है। यूनानी में क्रोसिया का अर्थ होता है शासन। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी जी ने किया। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये जो है मैंने पिछले जब मैं इसके पहले वीडियो बना रहा था तब भी बोला था इसका आंसर आप बताएं, तो ये जो है आपका कहलाता है मताधिकार। ठीक है, क्या कहलाता है? मताधिकार। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी झेलम है। इसके बाद देखिएगा कुछ इस प्रकार से जो है इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। सत्ता सत्य में देखिए भारतीय मानसून से होने वाली वर्षा अनिश्चित है। केरल में प्रति हजार, तो ये जो है अनिश्चित है एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केरल में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995, असत्य हो जाएगा। पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार नहीं करते, सत्य है। एकीकृत बाल विकास सेवा 1975 में शुरू हुई थी, एकदम सत्य। 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ, सत्य है। शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है, ये असत्य है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आगे जो क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। कब और किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? ठीक है, तो वो कौन सी नहर है और कब खुली थी? तो अभी मैं आपको आंसर दिखाता हूं। यहां से देखिए आप, सन 1869 में जो है स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अपन सातवां देखेंगे क्वेश्चन। यहां से देखिएगा सातवां प्रश्न, सॉरी छठवां प्रश्न। ठीक है, तो ये छठवां का इंग्लिश वाला था, अब सातवां देखेंगे। सातवां है आपका मौसम से क्या अभिप्राय है, तो मौसम की परिभाषा हमें देनी थी। तो यहाँ से देखिए मौसम का आशय किसी स्थान विशेष के किसी निर्दिष्ट समय की वायुमंडलीय दशा और तापमान, वायु दाब, हवा आर्द्रता एवं वर्षा से होता है। वायुमंडल की उपरोक्त दशाओं को ही जलवायु मौसम तत्व कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप देखिएगा आठवां प्रश्न, व्हाट इज रेन? ठीक है, क्या है आठवां प्रश्न आपका? वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? तो यहाँ से उत्तर देखिएगा आप, पर्वतीय वायु विमुख ढाल क्षेत्र जहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है वह क्षेत्र शुष्क रह जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र श्रेणी के में आता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़िएगा आप, व्यापारिक पवनी किसे कहते हैं? और जो है आपका, तो यहाँ से देखिए आप व्यापारिक पवनी किसे कहते हैं? ठीक है, भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब कटिबंधी एवं दोनों गोलार्धों के बीच उच्च वायु दाब कटिबंधों से निरंतर बहने वाली पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं। इसके बाद देखिएगा दसवां, कॉन्वेंट की परिभाषा, तो दसवें का भी उत्तर आप देख सकते हैं, कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की एक इमारत है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन, देखिएगा ग्यारहवां, ड्यूमा पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ग्यारहवां जो है आपका वो है आपका ड्यूमा पर टिप्पणी कीजिए, और अथवा है कोऑपरेटिव क्या था? तो कोऑपरेटिव का उत्तर देख लें आप। ठीक है, यहाँ से कोऑपरेटिव क्या था? कोऑपरेटिव ऐसे लोगों का समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए काम के हिसाब से बांट लेते थे। इसके बाद है आपका देखिएगा लैक्टस क्या है? ठीक है, तो लैक्टस की परिभाषा, रबड़ के पेड़ से प्राप्त तरल पदार्थ को लैक्टस कहा जाता है, इसका उपयोग रबड़ बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नागरिक का क्या लोकतंत्र, नागरिक का क्या कार्य लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? और अथवा जो है आपका डेमोक्रेसी शब्द किस शब्द से किस भाषा के शब्द से है? ठीक है, तो डेमोक्रेसी वाला देख लीजिएगा, यूनानी भाषा के डेमोक्रेसिया शब्द से बना है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेहरू जी वाला प्रश्न, चौदहवां, नेहरू जी संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे? तो देख लीजिए नेहरू जी जो है उन्होंने कहा था कि हम शपथ आज भी लेंगे। ठीक है, और जो है भारत की सेवा करने का अर्थ दुख और परेशानियों में पड़े करोड़ों लोगों की सेवा करना है, इसका अर्थ है दरिद्रता अज्ञान और बीमारियों का अवसर समानता का अंत। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो है आप आंसर जरूर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। 15 देख सकते हैं आप, संविधान संशोधन क्या है? ठीक है, संविधान संशोधन क्या है? तो यहाँ से देखिए संविधान संशोधन क्या है, देश के सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उसके संविधान में किए जाने वाला बदलाव संविधान संशोधन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद 16 देखिए आप, शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है? 1951 व 2016 में कितनी दर थी? तो देखिएगा शिशु मृत्यु दर से शिशुओं की मृत्यु से है, और 1951 से 147 घटकर जो है 147 घट गई। ठीक है, 1951 से, और जो है अब 2016 में सिर्फ 37 रह गई है। इसके बाद देखिएगा आप, नेक्स्ट है आपका मौसमी बेरोजगारी से क्या आशा है? ठीक है, मौसमी बेरोजगारी से क्या समझते हैं?
मौसमी बेरोजगारी वही है आपकी जो क्षेत्रीय बेरोजगारी होती है, जो कि आपके किसान जब काम करते हैं ना, तो कुछ समय जो है फसलें नहीं उगती, तो उस समय पे जो है वो मजदूर लगे रहते हैं, वो बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मौसमी बेरोजगारी से संबंधित प्रश्न है, इसका उत्तर आप लिख लीजिएगा। 18वां देखिएगा, 18वां है आपका, भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो यहाँ से देख लीजिए आप, भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, यहाँ से उत्तर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी पीडीएफ हमने आपको बताई है कहाँ मिलेगी, पीडीएफ आपको www.studynotespj.com पे मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राइका समुदाय पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो राइका समुदाय पर टिप्पणी आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको करनी थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री और जो है मंत्रिपरिषद के आपसी संबंधों पर चर्चा। ठीक है, और अथवा है इसमें देखिएगा, आपसी संबंधों पर चर्चा का उत्तर देख लें आप, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की आपसी संबंधों पर चर्चा क्या क्या होती है। ठीक है, 20वें का उत्तर देख सकते हैं आप। इसके बाद है आपका 21वां, जिसमें कि देखिएगा, देख सकते हैं आप 21वां देख लें आप। ठीक है, यहाँ से देखिएगा जो है आप 22वां देख लें कुछ इस प्रकार से, और जो है आपका 23वां, जिसमें कि आपसे मानचित्र पूछे गए हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों कुछ इस प्रकार से जो है संपूर्ण क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखा दिया है, आंसर्स आपको बता दिए हैं, और इन सब के आंसर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है www.studynotespj.com। इसको शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें।